हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान का। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है पुष्पी पौधों की आकारिकी। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मूल, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज तथा कुछ प्रारूपी पुष्पी पादपों का अर्थ, तकनीकी तथा कुछ महत्वपूर्ण पुष्पों का विवरण। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, यह 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अगर आप भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं पुष्पी पादपों की आकारिकी। फ्रेंड्स, आकारिकी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोर्फोलॉजी, ठीक है, मोर्फोलॉजी। और पुष्पी को तो आप लोग पता ही है, इसको कहते हैं फ्लावरिंग और पादपों को प्लांट। यानी इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इस चैप्टर को मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी हम लोग मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए आकारिकी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोर्फोलॉजी। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारिकी यानी मोर्फोलॉजी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी उन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें बहुत विविधता होती है, जिसके कारण इनकी संख्या बहुत विशाल समूह में ये है और उन्हीं के बारे में हम लोग जान करके बहुत आकर्षित होते हैं, जानने के लिए उनका यूज भी करते हैं। इन उच्च पुष्पों में फूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। एंजियोस्पर्म में मुख्य क्या है, मूल है, स्तंभ है, पत्तियां हैं, पुष्प है तथा फल है। फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म क्या होता है अगर आपने नहीं जाना है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने इसे काफी अच्छे से बताया है। अध्याय 2 तथा 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया है जो आकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित है। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं की ज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वर्गीकरण को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छी शब्दावली होना चाहिए तथा मानक परिभाषा होना चाहिए। हमें विभिन्न पादपों की विविधता जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का प्रमाण है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चरना तथा संचयन आदि के विषय में भी प्राप्त कर सकने की आवश्यकता है। तो चलिए अब बारी बारी से इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मूल के बारे में, ठीक है। तो मूल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रूट, ठीक है। हम लोग रूट के बारे में जानते हैं, रूट से प्लूरल हो गया, आप रूट समझ के चलिए, ठीक है। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में मूलांकार के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। जो मूलांकुर होता है वो लंबा हो जाता है तो उससे क्या बनता है, प्राथमिक मूल। मैं इसे आपको फिगर के माध्यम से भी समझाऊंगा। जो मिट्टी में उगती है इसमें पार्श्वी मूल होती है जिन्हें द्वितीयक मूल तथा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाते हैं। इसका उदाहरण सरसों का पौधा है। जैसे आप देखिएगा, एक सरसों है, अगर इसको रोपिएगा तो इसमें से अनुकूलन होने के बाद एक नीचे आता है और एक ऊपर जाता है। ये जो नीचे चला जाता है इसी को हम लोग कहते हैं, ये मूलांकुर हो गया, तो इसे कहते हैं प्राथमिक मूल। जब ये नीचे जाता है तो इसमें और भी पतले पतले सोर आ जाते हैं, तो इनको, ये जो पहले निकलते हैं उनको द्वितीयक, उसके बाद और निकलते हैं उन्हें तृतीयक मूल तंत्र कहते हैं। और ये सभी ऐसा कुछ हो, एक मूलांकुर लंबा हो और उसमें ये छोटे छोटे रोए जैसे संरचना हो, मतलब सोर हो हल्के हल्के, तो इस तरह का जो मूल होता है उसे हम लोग कहते हैं मूसला मूल। और मूसला मूल को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग टैब रूट, ठीक है, टैप रूट। आगे बढ़ते हैं, इसका उदाहरण सरसों का पौधा है। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्प आयु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाते हैं। ये मूल तने के आधार से निकलते हैं, इन्हें झकड़ा मूल कहते हैं। इसका उदाहरण गेहूं का पौधा है। अब देखिए, जो कम दिन वाले यानी कम समय में तैयार होने वाले जो ये पुष्प है या कोई पादप है उसमें जो प्राथमिक मूल होता है वो
अल्प आयु होता है, और उसमें याद रखिए वो कौन सा है, एक बीजपत्री होगा तो उसमें जो प्राथमिक मूल होगा उसका अल्प आयु होगा। जैसे एक ये गेहूं है, गेहूं भी अंकुरित होता है तो एक ऊपर निकलेगा और एक मिट्टी की तरफ जाएगा, मिट्टी में जाएगा तो ये जो इसका प्राथमिक मूल होता है ये नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इसमें से छोटे छोटे अनेक सारे रोए ऐसे निकल जाते हैं, पतले पतले मूल निकल जाते हैं, इन्हें ही हम लोग कहते हैं झकड़ा मूल तंत्र। यानी इसमें कोई एक गहरा तक नहीं गया रहता है, कोई एक मूल गहराई तक नहीं जाता है, बल्कि अनेक सारे छोटे छोटे ऐसे निकलते हैं जिसे हम झकड़ा मूल कहते हैं। आप लोग गेहूं का जड़ जरूर देखे होंगे, वो झकड़ा का एग्जाम्पल है। कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलते हैं, इन्हें उपास्थनिक मूल कहते हैं। ठीक है, अब इसको आपने देखा होगा, ये बरगद वगैरह के पेड़ में जहां से मूल क्या होते हैं, उनके ऊपर वाले हिस्से से निकल के आकर के नीचे सट जाते हैं धरती में, और वहां से भोजन अवशोषित करते हैं। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, मिट्टी को पौधे को मिट्टी से जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचयन करना तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना है। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है, तो पहला कार्य है कि मिट्टी से पानी तथा खनिज का मिट्टी से पानी तथा खनिज और लवण का अवशोषण करना, पहला कार्य हो गया। दूसरा हो गया मिट्टी को मिट्टी के साथ पौधे को जकड़ करके रखना ताकि पौधा गिरे नहीं। तीसरा है खाद्य पदार्थों का संचयन करना, मतलब जो भी पोषक तत्व तो है उनका संचयन करेगा, तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना। ये सब कार्य हैं मूल के। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये एक पौधा है जिसमें देख सकते हैं ऊपर वाला हिस्सा ये पुष्प कहलाता है, ये फल है ये तो आप जानते ही हैं, तना, और यहाँ से ये जो छोटी सी निकलती है उसे कलिका कहते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे कोई बीज लगाया गया होगा, इसमें से जो पहली बार नीचे आया है मूलांकुर, इसे ही हम लोग कहते हैं प्राथमिक मूल, और इस मूलांकुर में से देखिए अनेक सारे ये निकले हुए, इसे कहते हैं द्वितीयक मूल, और इसमें से भी निकलेंगे उसे हम कहते हैं तृतीयक मूल, और सबको मिला करके यहाँ से यहाँ तक के कहते हैं हम लोग मूल तंत्र। ठीक है, ये देखिए ये मूसला मूल है, देखिए ये बहुत गहरा तक मिट्टी में जाता है, और इसमें पतले पतले ये रेसे जैसे निकले रहते हैं, तो ये मूसला मूल है। ये देखिए तंतुक मूल, यानी ये झकड़ा मूल है, इसमें देखिए एक ही साथ कोई लंबा गहराई तक नहीं जाता है, बल्कि अनेक सारे पतले पतले रोए जैसे मूल निकले होते हैं जिसे हम झकड़ा मूल कहते हैं। और यहाँ पे है 100 नंबर फिगर में उपास्थनिक मूल, इसमें क्या होता है कि देखिए ये तना से ही, मतलब तना से ही इसमें से क्या होते हैं मूल निकलते हैं, तो इस तरह से ये तीन तरह के मूल होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मूल के क्षेत्र की। मूल का शीर्ष उंगलियों जैसे मूल गोप से ढका रहता है, जो मूल का शीर्ष होता है उसे हम लोग मूल गोप कहते हैं, और वो कैसा होता है, उंगलियों जैसा होता है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है, और यह मूल गोप क्या करता है, यह मूल के कोमल शीर्ष की रक्षा करता है। ठीक है, कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती है तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है, उनमें बार बार विभाजन होता है, इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और मूल की लंबाई को बढ़ाती हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, छोटी और पतली होती हैं, और उनमें काफी तेज कोशिका विभाजन होता है जिसके कारण उनमें उनकी जो लंबाई होती है वो शीघ्रता से यानी काफी तेजी से बढ़ती है। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं, और उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण के समीपस्थ क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। उसमें क्या आती है, विविधता आती है और परिपक्वता आती है, मतलब वो पूरा परिपक्व हो जाता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, परिपक्व क्षेत्र। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह संरचनाएं निकलती है जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। यहाँ देखिए फिगर में मूल के क्षेत्र को मैं बता देता हूँ,
आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें। और फ्रेंड्स, मैं आपसे चाहता हूं कि मैं एक रिव्यू चाहता हूं। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो 10 से 20 मिनट का होता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मैं इससे वीडियो बड़ा बनाऊं या और छोटा बनाऊं, यानी 5 से 10 मिनट का वीडियो, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं वीडियो जो बनाऊं वो बड़ा बनाऊं, मतलब 20 मिनट से ज्यादा लंबा बनाऊं, या फिर छोटा बनाऊं। ठीक है, अब ये देखिए मूल के क्षेत्र है, ये जो अगला हिस्सा है इसे ही हम लोग कहते हैं मूल गोप। और ये मूल गोप क्या करता है, तो मूल की जो कोमल संरचनाएं होती है, जो कोमल क्षेत्र होता है, उसकी रक्षा करता है। और इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्टेमी सक्रियता क्षेत्र। ठीक है, और इसको दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं होती है वो काफी तेजी से विकसित होते हैं और इनकी लंबाई को बढ़ाती है। और जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है, जो परिपक्व हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं परिपक्वन क्षेत्र। तो यहां तक आपको मैंने बता दिया मूल गोप के बारे में। फ्रेंड्स, यह पहला वीडियो था इस चैप्टर का। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूल के रूपांतरण तथा अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई सुझाव हो तो भी बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।